हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न बॉटनी विद सिया क्लासेस। टैक्सोनॉमी के टॉपिक में एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं फैमिलीज की, जिसमें लगभग 25 फैमिलीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का जो फैमिली मैंने सेलेक्ट किया है वो है ब्रैसिकेसी। ब्रैसिकेसी का पुराना नाम अगर देखें या हिस्ट्री में देखें तो इसको क्रूसीफेरी फैमिली कहा जाता था, लेकिन क्रूसीफेरी फैमिली बिकॉज अकॉर्डिंग टू जब नॉमनक्लेचर के जो रूल्स बनाए गए हैं फैमिली का जिस हिसाब से नेमिंग करते हैं उसमें वो जो क्रूसीफेरी फैमिली है या क्रूसीफेरी नाम है वो लाई नहीं करता था। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब भी किसी फैमिली की नेमिंग करते हैं तो उसमें सफिक्स ऐड करते हैं CEAE, जबकि क्रूसीफेरी में क्या क्या था कि वहाँ पर ये वाला कंसेप्ट नहीं लाए, मतलब कि कंसेप्ट नहीं फॉलो हो रहा था, इस वजह से उसका नाम चेंज करके क्या रिप्रेजेंटेटिव चंद्रा ब्रैसिका होता है। ब्रैसिकेसी का ही एक कई सारे बल्कि इसको कैबेज फैमिली या फिर मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं। आपको मालूम होगा मस्टर्ड का भी नाम ब्रैसिका कंपैस्टिस है, तो उसी तरह से जैसे आप रोजेसी फैमिली पढ़ते हो तो रोजेसी का नाम अकॉर्डिंग टू वही कि रोज़ा के नाम से, फिर उसमें रोज़ा एक रिप्रेजेंटेटिव जेनरा है और उसमें ऐड कर दिया गया क्या सफिक्स CEAE, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो की है। और फाइनली जो अब नाम रखा गया है या जो अब रीसेंट का नेम है या अल्टरनेटिव जो नेम चलता है वो है क्रूसीफेरी का ही। क्रूसीफेरी इज़ अ कंजर्व नेम एंड ब्रैसिकेसी इज़ द ऑल्टरनेट, या फिर ये कहें कि रिसेंट में अब इसे ब्रैसिकेसी बोलते हैं। ठीक है, ब्रैसिकेसी अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्रूसीफेरी एक ऐसी फैमिली है जो लगभग कॉस्मोपोलिटन हम कह सकते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड हर जगह लगभग ये अवेलेबल है, हर एरिया में हर तरह में ग्रो अप कर सकती है। इसमें मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव क्रॉप्स वाले प्लांट्स आते हैं या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं। वेजिटेटिव में जैसे आपने देखा है जितने भी ये ब्रैसिका ओलेरेसिया, ठीक है, या गाठ गोभी है, पत्ता गोभी है, या बंद गोभी है, सरसों है, काली सरसों है, पीली सरसों, ये सारा किस में आता है, इसी में। तो इस वजह से इसे कहते हैं क्या वेजिटेटिव क्रॉप्स वाले प्लांट्स इसमें रखे गए हैं। और दूसरी कैटेगरी आती है ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, जैसे कैंडी टफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें हैबिट की, तो ये इसकी अगर हैबिट की बात करें तो ये यूजुअली इसमें इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो या तो एनुअल होते हैं, जैसे सरसों की बात करें, ठीक है, उसकी जो जब भी उसकी क्या बताएं बुआई करी जाती है या उसको बोया जाता है तो वो ऑफकोर्स साथ साथ में क्या जो लोग फील्ड से या जिनके घर में फार्मिंग से रिलेटेड कुछ भी काम होता होगा तो उनको ये बात ज़रूर मालूम होगी कि गेहूं की जब भी वो करते हैं ना तो साथ में गेहूं के साथ में वो क्या वीट की जब भी क्रॉप लगाते हैं तो साथ में मस्टर्ड भी लगा देते हैं, है ना। तो वो होता क्या है कि ये जो जितना भी और उनका जब गेहूं भी साल भर में तैयार हो जाता है ना उसकी जो क्रॉप है, तो सेम काइंड ऑफ, तो यानी कि क्या हो गया एनुअल्स इसमें ज़्यादा आते हैं। और अगर उसकी बात करें कि इनकी हैबिट क्या है तो वो क्या हर्बेशियस है। मैक्सिमम प्लांट्स आर हर्बेशियस एंड एनुअल और बाइनियल, ठीक है, जितने भी जैसे ब्रैसिका उसकी ओलेरेसिया की बात करें तो वो इज़ अ बाइनियल प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है रूट्स की बात करते हैं, तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं ब्रैसिकेसी के उनमें जो रूट पाई जाती है वो टैप रूट सिस्टम है। ठीक है, टैप रूट सिस्टम में कहीं कहीं पे आप उसका मॉडिफिकेशन भी देखोगे, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल आपको उसमें राफनस में मिल जाएगा। राफनस दैट मीन्स रेडिश की मैं बात कर रही हूँ, उसमें क्या है रेडिश की बात कर रही हूँ जिसमें टैप रूट सिस्टम तो है बट वो किस फॉर्म में है, मॉडिफाइड फ्यूजी फॉर्म में, मतलब मॉडिफाइड होकर के फ्यूजी फॉर्म बना रही है। तो इस तरह से कह सकते हैं रूट सिस्टम तो टैप रूट सिस्टम है बट फ्यूजी फॉर्म। और उसका एग्जांपल कहाँ सबसे अच्छा देखने मिलता है, राफनस में। ठीक है, राफनस सेटाइवस दैट मीन्स मूली। नेक्स्ट वन इज़ द स्टेम। जब स्टेम की बात करते हैं तो हर्बेशियस है, अगर जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं तो उसमें बात करें तो ज़्यादातर में ब्रांच्ड स्टेम दिखता है, डेलिकेट होता है, स्लेंडर होता है। लेकिन जब कभी इनकी बात करते हैं जैसे वेजिटेटिव क्रॉप्स की बात करते हैं तो उसमें समटाइम्स ये क्या होता है कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड और थिक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे कॉर्न कहते हैं, कॉर्न स्टेम। जैसे कि जो गाठ गोभी होता है नॉट
ठीक है, उसमें भी देखिए कॉम वाला स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें लीव्स की, ठीक है, लीव्स जो ब्रैसिकेसी फैमिली की लीव्स हैं वो सिंपल होती हैं, पीटियोलेट होती हैं, सेसाइल नहीं है, पीटियोलेट मैक्सिमम है। नेक्स्ट वन उसमें जो वेनेशन पैटर्न है, क्योंकि एक डाइकॉट फैमिली है तो इसमें वेनेशन पैटर्न कैसा हो जाएगा, रेटिकुलेट एज यूजुअल, जबकि जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं उनमें मैक्सिमम में कैसा वेनेशन पैटर्न होता है, पैरेलल वेनेशन, ठीक है, जबकि इसमें क्योंकि एक डाइकॉट फैमिली है, ठीक है, डाइकॉट मेंबर है, तो इसमें लीव्स में कैसा पैटर्न हो जाएगा, रेटिकुलेट, ठीक। नेक्स्ट वन आता है इनफ्लोरिसेंस की बात करते हैं, इनफ्लोरिसेंस इज द रेसिमोस टाइप। रेसिमोस टाइप क्या होता है, दैट मीन्स कि जो यंगर फ्लावर होते हैं वो अबव होते हैं, या फ्लावर का जो अरेंजमेंट है लगने का वो क्या, एक्रोपेटल होता है, दैट मीन्स कि ओल्डेस्ट वन एट द बेस एंड यंगेस्ट वन एट द टॉप, ठीक है। तो ये हो गया रेसिमोस टाइप, इन्फ्लोरेसेंस की बात है, और यानी कि ये भी कह सकते हैं कि इसमें ग्रोथ कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट, हमेशा होती ही रहती है, ऐसा नहीं है चिक्की चेक्ड हो जाती है, जैसे कि आप सबसे अच्छा एग्जांपल सरसों में देख लो, ठीक है। नेक्स्ट वन है फ्लावर की बात करें, तो फ्लावर इसमें मैंने सिंबल्स बना दिए हैं ताकि स्पेस कम लें। फ्लावर में सबसे पहले बात करते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, ये हाइपोगाइनस का साइन नहीं है, हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, दैट मीन्स कि ओवरी सुपीरियर होगी, ओवरी सुपीरियर होगी, दैट मीन्स कि स्टेमेंस एंड रेस्ट ऑफ दी वॉल्स, एसेसरी जितने भी वॉल्स हैं वो उनकी पोजिशन क्या होगी, बिलो दी ओवरी, ठीक है, बिलो दी गायनोशियम, ठीक है। इस वजह से कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस में ही दूसरी, इसके अलावा हाइपो यानी कि ये कह सकते हैं फ्लावर्स कैसे हैं, हाइपोगाइनस। सेकेंड वन इज एक्टिनोमोर्फिक, किसी भी वर्टिकल प्लेन से कट करोगे वो इक्वली ही डिवाइड होगा। नेक्स्ट वन हर्माफ्रोडाइट, दैट मीन्स कि बोथ रिप्रोडक्टिव वॉल्स आर इन अ, या बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इन अ सेम प्लांट और अ सेम फ्लावर, ठीक है, इसीलिए मेल एंड फीमेल बोथ यानी स्टेमेंस एंड गायनोशियम या कार्पल, ठीक है, दोनों एक ही में है, तो ये इस वजह से इसकी कंडीशन क्या होगी, फ्लावर कैसे हो गए, बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट वन इज अ कंप्लीट फ्लावर, क्योंकि चारों वॉल्स प्रेजेंट हैं, कोई एब्सेंट नहीं होता। टेट्रामेरस, दैट मीन्स ये भी कह सकते हैं फोर के मल्टीपल्स में नंबर्स होते हैं, किसके, जितने भी वॉल्स हैं, चाहे वो हम पेटल्स की बात कर रहे हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, सारे चार के ही मल्टीपल्स के फॉर्म में होते हैं, या तो चार नंबर में होंगे, इसी वजह से कहा जा रहा है, यानी कि फोर सापल्स होती है, फोर पेटल्स होती है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट वन है EBR, EBR का मतलब यहाँ पे लिखने का मतलब था कि ब्रैक्ट अब्सेंट होती, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स होते हैं। एंड द लास्ट वन हाइपोगाइनस, वही मैंने बताया कि हाइपोगाइनस दैट मीन्स कि जो पोजीशन है गायनोशियम की वो सुपीरियर ओवरी को डिनोट करती है, या ये कहें कि जितने भी स्टेमेंस हैं, पेटल्स हैं, या रेस्ट ऑफ द सेपल्स की पोजीशन, ये सारी कहाँ पर है, ये बिलो द गायनोशियम है, ठीक है, इनका ओरिजिन कैसे होता है, बिलो द गायनोशियम है, तो अब अल्टीमेटली क्या होगी, ओवरी सुपीरियर हो गई। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें फिर वर्ल्ड्स की बात करना शुरू करते हैं, अब फ्लावर के बाद डिस्कशन करते हैं कैलेक्स का, ठीक है। कैलेक्स में फोर नंबर में सैपल्स होती हैं, क्योंकि कैलेक्स बेसिकली है क्या, अ ग्रुप ऑफ सैपल्स, ठीक है, तो फोर सैपल्स होती हैं, जिसमें कंडीशन क्या है, पॉलीसेपल्स होती है, दैट मीन्स ऑल सैपल्स आर सेपरेट, कहीं फ्यूजन नहीं होता है। नेक्स्ट वन बात करें तो उसमें एस्टिवेशन कैसा होगा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, आई शो यू जस्ट आफ्टर डिस्कशन दिस। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मतलब ये हुआ कि दो पेटल्स जस्ट कवर की होती है रेस्ट ऑफ द टू पेटल्स को, ठीक है, वो भी अरेंजमेंट इनका दो में ही होता है, इसीलिए जब भी इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, के टू प्लस टू, ठीक है, ऐसा नहीं है कि चार लिख देते हैं साथ में, ठीक, और सारे के सारे कैसे हैं, पॉलीसेपल्स, दैट मीन्स ऑल आर सेपरेट, ठीक है, कहीं पर भी ज्वाइन नहीं होता, ये आप जब भी फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन आता है कोरोला की बात करें, तो इसमें कोरोला का भी नंबर, क्योंकि टेट्रामेरस फ्लावर है तो सारे के सारे कोरोला का भी नंबर कितना होगा, कोरोला में पेटल्स का नंबर फोर होता है। एक स्पेसिफिक फीचर इसका ये है कि अगर पर्टिकुलर पेटल्स का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या है कि एक ब्रॉडर पार्ट होता है और एक नैरो पार्ट होता है, जो नैरो पार्ट होता है उसे कहते हैं क्लॉ, कहते हैं पंजा, ठीक है, एंड द वाइडेस्ट पार्ट जो होता है वो कहलाता है लिम्ब, ठीक है,
ये एक अलग बात थी जो मुझे बतानी थी। अभी फिगर इसका दिखा दूंगी तो उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वन की बात करें कि फोर पेटल्स के साथ जितनी भी पेटल्स होती हैं वो उनकी कंडीशन क्या है? पॉलीपिटालस है। पॉलीपिटालस दैट मीन्स कि बोथ बोथ क्या, जितनी भी पेटल्स हैं वो सारी की सारी सेपरेट होती हैं, कहीं पर भी फ्यूजन नहीं होता। और सबसे स्पेसिफिक बात कि उनकी जो पोजीशन होती है वो क्रॉस्ड होती है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं कि कोरोला कैसा है, क्रूसी फॉर्म कोरोला है। क्रूसीफॉर्म कोरोला है। नेक्स्ट वन इज द एंड्रोशियम की जब बात करते हैं तो एंड्रोशियम सिक्स इन नंबर होते हैं, आउटर मोस्ट टू इन नंबर होते हैं, टू और फोर का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। बाहर के दो जो दो होते हैं वो छोटे होते हैं, रेस्ट ऑफ दी जो चार इनर्स वाले होते हैं वो सारे के सारे बड़े होते हैं। ठीक है, अभी पोजिशन दिखा दूंगी तो वो और चीज क्लियर हो जाएगी। तो स्टेमिन्स का नंबर कितना हो गया? सिक्स। सारे के सारे सेपरेट रहते हैं तो क्या कंडीशन क्या लगेगी? पॉलीएंड्रस। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो जब भी फ्लोरल फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्योंकि दो वॉल्स में अरेंज है तो कैसे लिखेंगे? टू प्लस फोर की कंडीशन। ठीक है, एंड टेट्रा डायनेमस कंडीशन कह रहे हैं। टेट्रा डायनेमस दैट मीन्स टेट्रा मीन्स चार, डायनेमस मीन्स टू। तो यानी अरेंजमेंट कैसा हो गया? फोर का इनसाइड एंड टू आउटर साइड। और एक और बात करें, जब भी लोब की बात करते हैं तो इसके लोब्स कैसे होते हैं? इंट्रोज होते हैं। यानी कि जब भी आप ड्रॉ भी करोगे, ठीक है, तो ड्रॉ कैसे करोगे? ऐसे बनाओगे, ऐसे इंट्रोज हुआ और वन टू थ्री फोर, फोर इस तरह से आप उसमें जब भी आप फाइल में भी ड्रॉ करोगे तो ये फोर आपको बनाने हैं, लॉक्यूल्स या चेम्बर्स बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये डाइकॉट को रिप्रेजेंट करता है ना, इस वजह से। ठीक, और इंट्रोज होते हैं यानी कि उस जो एंथर लोब होता है उसका फेस किस तरफ से होगा? टूवर्ड्स द इनसाइड, ठीक है, गाइनोशियम की तरफ। नेक्स्ट वन बात करें गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम क्या है? बाई कार्पलरी है, दैट मीन्स कि इसमें टू कार्पल्स है। सिन कार्पल्स अल्टीमेटली कंडीशन कैसी है? सिन कार्पल्स है, दोनों कार्पल्स फ्यूज है। नेक्स्ट वन बात करें ओवरी कैसी है, हाइपोगाइनस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दैट मीन्स कि ओवरी अल्टीमेटली कैसी हो गई? सुपीरियर ओवरी हो गई। नेक्स्ट वन, इसमें अगर प्लेसेंटेशन की बात करें तो कैसा प्लेसेंटेशन है? पेराइटल प्लेसेंटेशन है। एंड द लास्ट वन, लास्ट टॉप लास्ट इसमें हेडिंग होगी फ्रूट्स की। फ्रूट्स की जब भी बात करते हैं तो वो सिलिक हुआ या फिर सिलिक्यूला होते हैं। इन फ्रूट्स की खासियत क्या होती है कि स्टार्टिंग में तो ये यूनिलॉक्युलर या यूनिकार्पिलेटी जैसे दिखते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में एक फाल्स सेप्टम बन जाता है जैसे रैप्लम कहते हैं, है ना, जिसकी वजह से पहले वो यूनिलॉक्युलर ही था ओवरी, बाद में क्या ऐसा हो जाता है? बाईलॉक्युलर ओवरी हो जाती है। ठीक है, और इसमें प्लेसेंटेशन कैसा है? पेराइटल प्लेसेंटेशन है। तो स्पेसिफिकली आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है जो कंडीशंस पूछी जाती हैं? अगर एक लाइन में आपसे कोई कहे कि ब्रैसिकेसी फैमिली के स्पेसिफिक फीचर्स बताइए, तो क्रूसीफॉर्म कोरोला। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आप कह सकते हो टेट्राडाइनमस कंडीशन इन स्टेमिन, एंड द थर्ड वन इज पेराइटल प्लेसेंटेशन, ठीक है, बाइकार्पिलेट, या फ्रूट्स की भी बात कर सकते हैं, वो भी इसका स्पेसिफिक फीचर में आ जाएगा। एक बार फिगर से भी समझ लेते हैं, एक बार पिक्चर भी देख लेते हैं। वैसे तो सरसों का मैं थंबनेल पर कोशिश करके थंबनेल उसी का लगाऊंगी, ठीक है, ब्रासिका का लगा दूंगी, उससे आपको इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक्चुअल में ट्विग कैसे दिखती है। यहाँ मैंने एक फ्लावर लिया है, एक नॉर्मल फ्लावर है, अभी इसको डाइसेक्ट नहीं किया है। जिनके लिए, जिनको अवेयर नहीं है कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, ये उनके लिए सबसे बेसिक, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ड आता है वो कहलाता है सैपल का, ठीक है, या सैपल, और जब ग्रुप ऑफ सैपल मिलता है तो वो बनाता क्या है? कैलेक्स, ठीक है, तो इसको मैं कैलेक्स यहाँ पर लिख रही हूँ। एंड द रेस्ट वन, जो कलरफुल पार्ट होता है वो होता है पेटल, एक को कहते हैं पेटल, और जब ये ग्रुप ऑफ पेटल्स हो जाते हैं तो वो कहलाती है क्या? कोरोला, ठीक है। अगर एक कोरोला का स्ट्रक्चर आप देखो तो लास्ट वन में मैंने बनाया हुआ, मैंने बताया था कि जो ब्रॉडर पार्ट होता है उसको बोलते हैं लिम्ब,
और जो नैरो पार्ट होता है, हर एक पर्टिकुलर एक इसमें नंबर देखिए, 4 दिख रहा है आपको, एक नॉर्मल ये ब्रासिका का फ्लावर है, ठीक है, मस्टर्ड का फ्लावर है। अब इसमें देखेंगे नंबर इसका कितना है, देखिए पेटल्स में भी 1 2, सॉरी सेपल्स की जब बात करते हैं तो 1 2 3 दिख रहा है, एंड फोर्थ वन इज द बैक बैक साइड वाला। एंड जब पेटल्स की बात करते हैं तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4। एंड अगर एक पैटल को निकाल करके हम डाइसेक्ट करके देखें तो उसमें एक ब्रॉडर पार्ट हमें नज़र आता है जिसे कहते हैं लिम्ब कहते हैं, और जो नैरो पार्ट होता है उसे कहते हैं क्लॉ, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो आता है स्टेमेंस का। अगर स्टेमेंस इसमें काउंट करें, बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं बन पाई है, लेकिन इसका नंबर कितना है, 6, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, दीज आर 6 इन नंबर, जिसमें से इनकी पोजिशन देखिए, ये रेस्ट ऑफ द 2 फ्लावर्स छोटे होते हैं, ये LS करके दिखाया हुआ है, और इसमें देखिए ये जो 2 स्टेमन फ्लावर्स नहीं स्टेमन है, दो स्टेमन जो आउटसाइड होते हैं वो सिमिलर हाइट के होते हैं, रेस्ट ऑफ द 4 सिमिलर हाइट के होते हैं, और वो जो 4 हैं वो बड़े हैं स्मॉल, जबकि रेस्ट ऑफ द जो 2 हैं आउटसाइड वाले वो छोटे हैं, ठीक है। लेकिन सारा सारे के सारे का जो पोजीशन रहती है लोब्स की वो क्या है, इन्फ्रोस टूवर्ड्स दी ओवरी या टूवर्ड्स दी, ऐसे भी कह सकते हो, गायनोशियन की तरफ होती है, ठीक है। जैसे कि और रेस्ट सेंटर में देखें, ये जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये पहले यूनिलॉक्युलर होता है बाद में बायलॉक्युलर हो जाता है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कहलाया गायनोशियम का हो जाता है। इसमें होगा क्या, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, और ओवरी इज अ, देखो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ओवरी से, ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो सेपल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, कितने नंबर में होता है, 4, ठीक है, स्पेस की कमी थी वरना ये भी 4 बना सकती थी। यहाँ पे देख लो इसमें ज़्यादा क्लियर है स्टेमन, ये मैंने सॉरी इस तरफ बन गया, बट एक्चुअल में इनकी पोजिशन ऐसे होती है, ठीक है, टूवर्ड्स दी गायनोशियम। और गायनोशियम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्टिग्मा स्टाइल जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है, स्टाइल कहलाता है, जैसे कि जो केसर आती है ना, केसर में क्या होता है, वो बेसिकली स्टाइल होता है, ठीक है। स्टिग्मा क्या है, वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, एंड फ्लावर शेप जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है ओवरी, ठीक है, ओवरी से ही अटैच उनकी, आप अच्छे से देख सकते हो कि स्टेमिन की पोजिशन क्या है, बिलो दी ओवरी, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली ओवरी, ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर ओवरी हो गई। अगर एक बार इसमें प्लासेंटेशन की बात करें तो ये शो किया हुआ है LS ऑफ, ये भी TS को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, इसमें देख सकते हो कि जो प्लेसेंटेशन है वो कैसा है, पैराइटल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। और इसमें उसकी लोक्यूल्स की भी पोजीशन देख सकते हो, ये दीज आर द 2 चेम्बर्स, जो कि ये बाद में जब मच्योर हो जाता है फ्रूट्स तब की बात है, ठीक है। तो ये लोक्यूल भी बायलोक्यूलर हो गया, ठीक है, और इसमें जो ओव्यूल का नंबर है वो भी ईच लोक्यूल में 1 ओव्यूल है, ठीक है, और प्लेसेंटेशन तो पेराइटल प्लेसेंटेशन भी है। नेक्स्ट अगर हम एक बार फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं तो देख लेते हैं जल्दी से कि सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग इज द, या आउटरमोस्ट वर्ल्ड इज द सेपल, ठीक है। एस्टिवेशन कौन सा होता है, इम्ब्रिकेट, देखो 2 पूरी की पूरी तरह इनसाइड है और 2 आउटसाइड है, देखिए ये वाला आउटसाइड हुआ, ये वाला आउटसाइड हुआ, और इन दोनों ने रेस्ट ऑफ द 2 को कवर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें, अगर कौन सा वर्ल्ड आएगा जो कि अल्टरनेट होता है किसके, आउटर वर्ल्ड के, यानी कि सेपल के बाद आया पेटल, यानी कैलेक्स के बाद आया कोरोला। कोरोला में भी देखिए 4 इन नंबर है, वेलवेट एस्टिवेशन है, सिंपल, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा, केवल टच भी नहीं कर रहे हैं, केवल कोशिश कर रहे हैं, बट क्योंकि सेपरेशन है, क्योंकि पॉली सेपेलस और पॉली पेटालस की कंडीशन है, तो कोई किसी को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन एस्टिवेशन कैसा है, किसी को ओवरलैप भी नहीं कर रहा है, तो वेलवेट एस्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ नेक्स्ट अगर वर्ल्ड की बात करें तो स्टेमन आता है, स्टेमन की पोजिशन देख सकते हो कि 2 वर्ल्ड में अरेंज है, आउटसाइडर जो आउटर वर्ल्ड है ना, उसमें केवल 2 हैं, एंड रेस्ट ऑफ द 4 इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट वन, जैसी ओवरी मैंने बताई थी, यहाँ पे पैराइटल प्लेसेंटेशन है, बाइकार्पिलेटी है कंडीशन, सिनकार्पस ओवरी है, वो आपको रिप्रेजेंट कर ही रहा है, ठीक है। और मदर एक्सेस बनाना मत भूलिएगा। एक बार जरा फ्लोर फॉर्मूला देख लेते हैं लास्ट में, EBR दैट मीन्स ई ब्रैक्टिएट कंडीशन, देन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं,
बाइसेक्सुअल है क्योंकि कंप्लीट फ्लावर्स है, कैलिक्स की पोजीशन देख ले तो 2+2 है क्योंकि दो वर्ड्स में अरेंज है इसलिए लिखा हुआ है K2+2। एंड कोरोला की पोजीशन देख ले तो क्रूसीफॉर्म कोरोला होता है इसलिए X4 लिखते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन, अगर एंड्रोशियम की पोजीशन देखें तो एंड्रोशियम इज द 2+4 की कंडीशन में, दैट मीन 6 होते हैं। एंड लास्ट वन इज द गाइनोशियम, गाइनोशियम की पोजीशन कैसी है जो उसमें 2 कार्पल्स होते हैं, सिनकार्पस कंडीशन होती है, तो हमने फ्यूजन के लिए G2+ लिख दिया है। एंड ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है, तो बिलो द जी, बिलो द गाइनोशियम हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। आई थिंक मैंने बेहतर से एक्सप्लेन किया कर दिया होगा या आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो गया है लेकिन यह है कि फैमिली को मुझे नहीं लगता कि इससे कम देर में कोई समझा भी सकता है, ठीक है। खैर, अगर इसमें से भी कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप उसमें से पूछ सकते हो। केवल एक पार्ट इसमें रह गया है जो कि इकोनॉमिक बॉटनी वाला आता है कि आपको कुछ प्लांट्स के नाम पता होने चाहिए, जैसे कि ब्रैसिका, कुछ वेजिटेबल्स क्रॉप्स का नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि इनकी बात करें ब्रैसिका, पहले तो आपको सरसों ही पता होना चाहिए। ब्रैसिका कंपैस्ट्रिस है जिसको बोलते हैं पीली सरसों, ठीक है। अगर काली सरसों की बात करें तो ब्रैसिका नाइग्रा बोलते हैं काली सरसों को। अगर इसमें आते हैं क्या बोलते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स में आते हैं तो जिसमें ब्रैसिका ओलेरेसिया आता है, आपका फूल गोभी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्रैसिका ओलेरेसिया, स्किप कर रही हूँ, कॉलीफ्लावर है, ये सारे इसी में आते हैं, कॉलीफ्लावर है या कैबेज है, ये सब इसी में, पत्ता गोभी वगैरह इसी में आते हैं। और रेफनस सेटाइवस, हाँ इंपॉर्टेंट है, या फिर आप कैंडिटर्फ देख लेते हो, आइबेरिस अमारा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कुछ फ्लावर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट एक फैमिली के साथ मिलेंगे किसी और दिन। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।